जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारत की भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी झूमिंग कृषि एवं कृषि विविध से संबंधित अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS प्री में पूछे गए हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग दोस्तों झूमिंग कृषि से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जंगल काटकर सुखाने को छोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? झूमिंग या पैड़ा पद्धति कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। तो दोस्तों झूम एक स्थानांतरित कृषि है पद्धति है जो जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया क्या की जाती है दोस्तों? तो अपनाई जाती है, पुनः अपनाई जाती है। तो याद रखना है दोस्तों झूमिंग क्या है? तो स्थानांतरित कृषि है जिसमें जनजातीय लोग क्या करते हैं? तो जंगल को साफ करते हैं, उन्हें जलाकर फिर उसको क्या करते हैं दोस्तों? उस स्थान पर जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो वो दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं कृषि करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों झूम किसे कहते हैं? तो दोस्तों झूम क्या है? तो खेती की एक पद्धति है दोस्तों झूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों झूम सर्वाधिक वृहत है। तो याद रखना है दोस्तों यानी सर्वाधिक इसकी जो कृषि की जाती है झूमिंग पद्धति से, झूमिंग कृषि से जो कृषि की जाती है दोस्तों सर्वाधिक किस राज्य में की जाती है? तो नागालैंड। नागालैंड में जो अधिकतर कृषि की जाती है दोस्तों वह झूमिंग कृषि कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। तो झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी प्रचलित है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में यह अधिक प्रचलित है। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी आदिवासियों द्वारा झूम कृषि क्या की जाती है दोस्तों? व्यवहत की जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड होगा। नेक्स्ट दोस्तों चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो याद रखना है दोस्तों असम तथा बिहार की बिहार राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य समस्या है दोस्तों चलवासी कृषि। राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न काल में इसका उत्तर जो था दोस्तों विकल्प ए था। वर्तमान संदर्भ में इसका जो उत्तर है दोस्तों उड़ीसा है तथा मध्य प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सूची वन को सूची दो से मिलान करना है दोस्तों। तो उत्तर पूर्वी भारत में क्या है दोस्तों? तो झूम की कृषि की जाती है। तो सी तो सही है। तो सी का तीसरा किस में है दोस्तों? तो सी का तीसरा एक ही में है और वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए में है। अब पश्चिमी घाट में कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों स्थानांतरित कृषि? तो वह है दोस्तों कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों? तो वह है वालतड़े। उत्तर पूर्वी राज्यों में हो गया दोस्तों झूम। और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में कौन सी की जाती है दोस्तों? तो डाहिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो स्थानांतरित कृषि पद्धति में जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके खेती की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे झूम, उड़ीसा में पोडू कहा जाता है, डाबी कोमन या ब्रिंगा भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वात्रा या वलतड़े कहा जाता है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में पेंडा बेवार डाहिया नाम से क्या है दोस्तों? यह प्रख्यात है। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि का नाम है और यह राज्य दिया गया है। तो पांडू जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थानांतरित कृषि को पांडू कहा गया, यह बात सही है। हिमाचल प्रदेश में मासा नहीं है दोस्तों, याद रखना है। तो ये गलत हो गया। अभी केरल में इसे पोनम कहा जाता है दोस्तों और असम में इसे झूम कहा जाता है। तो आपसे गलत पूछ रहा था, तो गलत आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन जो बी है वो दोस्तों वो गलत है। तो याद रखना है दोस्तों जब कृषि भूमि पर एक फसल उगाकर एवं उपज को प्राप्त कर उसे जलाकर छोड़ दिया जाता है जाए एवं जंगली उपज को उगाने के लिए किसी अन्य भूमि की तलाश की जाए तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसे भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे ओडिशा में पोंडू कहा जाता है, केरल में पोनम कहा जाता है, असम में झूम कहा जाता है। मासा जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि है, न कि हिमाचल प्रदेश की। मासा को मसान भी कहा जाता है, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम लोग
कृषि विविध से संबंधित अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीढ़ी में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो काफ़ी लंबा ये टॉपिक है दोस्तों, करीब इसमें 86 प्रश्न हैं, उनको हम लोग आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है। तो याद रखना है दोस्तों, प्रमाणित जो बीज होते हैं उनके थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है दोस्तों, नीला होता है यानी ब्लू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो बीज को निम्नलिखित मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है, प्रजनक बीज, यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है, यह अनुसंधान केंद्रों कृषि विश्वविद्यालय द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, तो तैयार किया जाता है। इसके थैले पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है दोस्तों, याद रखना है प्रजनक बीज पर कौन सा रंग होता है, तो पीला रंग होता है। फिर है दोस्तों आधार बीज, तो आधार बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है, इस पर सफेद रंग का टैग लगाया जाता है दोस्तों। फिर है प्रमाणित बीज, इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है, निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है। इसके थैले पर नीले रंग का क्या लगाया जाता है दोस्तों, तो टैग लगाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्र 1980-81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दी गई किसी भी फसल के जोत क्षेत्र में निरंतर गिरावट नहीं दर्ज की गई है। वर्ष 1980-81 में गेहूं की कृषि 22.28 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, जबकि वर्ष 2014-15 में इसका क्षेत्र बढ़कर 31.47 मिलियन हेक्टेयर पहुंच गया। इसी प्रकार चावल की कृषि वर्ष 1981-81 में 40.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, जो बढ़ के साथ 2014-15 में कितना हो गया दोस्तों, तो 44.11 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर बनी हुई है। वर्ष 1980-81 में दालों की कृषि कितनी थी दोस्तों, तो 22.46 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, जो विभिन्न वर्षों में कमी या वृद्धि के साथ वर्ष 2014-15 में कितना हो गया दोस्तों, तो 23.55 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर बनी हुई है। मोटे अनाजों की कृषि वर्ष 1980-81 में 41.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, इसके क्षेत्र में भी विभिन्न वर्षों में कमी एवं बढ़ोतरी होती रही है तथा वर्ष 2014-15 में 24.15 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर है। मोटे अनाजों के क्षेत्र में वर्ष 1980-81 की तुलना में वर्ष 2014-15 तक गिरावट जरूर आई है, परंतु यह निरंतर नहीं थी, इसके बीच के वर्षों में घटोतरी एवं बढ़ोतरी होती रही है। अतः विकल्प जो है दोस्तों ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, तो याद रखना है दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर दे रहा है दोस्तों 1, 3 और 4, यानी 1, 3 और 4 यानी केरल का है दोस्तों टैपियो का, याद रखना है आपको। फिर महाराष्ट्र में जो है दोस्तों कपास नहीं है, पश्चिम बंगाल का क्या है दोस्तों पटसन, और गुजरात का क्या है दोस्तों तो मूंगफली। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 जो कि ऑप्शन सी में है दोस्तों। तो प्रश्न काल के अनुसार विकल्प सी अभिष्टा आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत राज्य एवं उनकी महत्वपूर्ण फसलें इस प्रकार है। तमिलनाडु में है दोस्तों टैपियो का प्रथम स्थान, महाराष्ट्र जो है दोस्तों कपास में प्रथम स्थान पर है, पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों जूट और पटसन के मामले में प्रथम स्थान पर है, गुजरात जो है दोस्तों मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आलू जो है दोस्तों वृहत्तम उत्पादक है आलू का कौन, तो उत्तर प्रदेश, सही बात है। नारियल का जो वृहत्तम उत्पादक कौन सा है दोस्तों, तो केरल है। केला जो है दोस्तों महाराष्ट्र जो है दोस्तों केला का वृहत्तम उत्पादक नहीं है, तो यह बात गलत हो गया। आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों तंबाकू का वृहत्तम उत्पादक है, तो यह बात बिल्कुल सही है। तो प्रश्न काल तथा वर्ष 2019-20 में भी आलू का अग्रणी उत्पादक उत्तर प्रदेश ही था। प्रश्न काल तथा वर्ष 2019-20 के दौरान भी नारियल का अग्रणी उत्पादक कौन था दोस्तों, तो केरल था। प्रश्न काल के दौरान आंध्र प्रदेश तंबाकू का अग्रणी उत्पादक था, जबकि 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का अग्रणी उत्पादक कौन है दोस्तों, तो गुजरात हो गया है। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार केला के उत्पादक अग्रणी तीन
राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं दोस्तों, तो याद रखना है केला के उत्पादन में तीन अग्रणी राज्य कौन कौन से है, तो पहले नंबर पर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर है गुजरात, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। प्राचीन काल में महाराष्ट्र केला का शीर्ष उत्पादक नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, तो वह कौन सा था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो त्रिची में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, राइट आंसर हो जाएगा ए। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के त्रिची, जिसे तिरुचिरापल्ली भी के भी नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानचित्र से रिलेटेड सवाल है, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही हास्यवन क्रम कौन सा है, तो यह है दोस्तों चावल, गेहूं, मोटे अनाज एवं दाल, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विकल्प में प्रदत्त खाद्यान्नों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं। चावल का दिया गया है दोस्तों कितना है, तो 122.3 मिलियन टन है। गेहूं का कितना है, तो 109.5 मिलियन टन है। मोटे अनाज का है दोस्तों 51.1 मिलियन टन, और दाल का कितना दिया गया है दोस्तों, तो 25.7 मिलियन टन। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है उत्तर प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आर्थिक समीक्षा 2021-20 के जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 18.89% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य बना हुआ है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश जो है दोस्तों दूसरा, तथा पंजाब जो है दोस्तों तीसरे स्थान पर है, तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है दोस्तों गुजरात। तो गुजरात जो है दोस्तों कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादन में जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर है। तो प्रश्नकाल के दौरान भारत का गुजरात राज्य कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध उत्पादों में देश में प्रथम स्थान पर था दोस्तों। फिर है दोस्तों सूची वन है, फिर सूची दो है। सूची वन में दोस्तों कृषि उत्पादन और अग्रणी उत्पादक, तो कृषि उत्पादन कपास के उत्पादन में कौन था दोस्तों, तो गुजरात। फिर है दोस्तों कौन सा है, काली मिर्च, तो काली मिर्च के लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो केरल हो जाएगा। तो ए का तो दो हो गया और सी का फोर हो गया, ए का दो और सी का फोर, तो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, वो ऑप्शन है ए। चना का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो चना का हो जाएगा मध्य प्रदेश, और डी का थ्री यानी अनानास का हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। तो कपास के उत्पादन में देखें अगर दोस्तों 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर, तो कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। चने का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का है। काली मिर्च में कौन हो गया दोस्तों, कर्नाटक हो गया है, जबकि यहाँ पर काली मिर्च में कौन था दोस्तों, तो केरल था। अब कौन है काली मिर्च में, याद रखना है कर्नाटक है दोस्तों प्रथम स्थान पर। अनानास के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, यह बात बिल्कुल सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश नहीं है दोस्तों, बल्कि कौन है, तो यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, तो यही गलत हो गया। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जो है दोस्तों कौन सा है, गुजरात है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में देश का 26.71% आलू उत्पादित किया जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार का स्थान है, अतः विकल्प बी सुमेलित नहीं है। शेष अन्य सभी जो विकल्प है दोस्तों सही सुमेलित है। फिर सूची वन है दोस्तों, फिर सूची दो है, फिर चावल फसलें हैं एक तरफ दी गई है, और फसल नाशक जीव दिया गया है, चावल है, गेहूँ, गन्ना और चना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों एफिड जो है दोस्तों गेहूं सहित अनाजों एवं फसलों को हानि पहुंचाता है, तो एफिड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एफिड हो जाएगा यानी बी का वन हो जाएगा, बी का वन दो में है। फिर है दोस्तों एफिड जो हो गया गेहूं सहित अनेक अनाजों एवं फसलों को हानि पहुंचाने वाला जीव है। इसी प्रकार घुंडी जो होता है दोस्तों मतकुन चावल एवं शीर्ष प्ररोह वेदक सलम गन्ना की फसल को हानि पहुंचाने वाला है, तथा गोलक सलभ जो होता है दोस्तों जिसे बॉल उलवर्म
लॉर्म कहा जाता है, चना की फसल के लिए हानिकारक जीव है। नेक्स्ट है फिर सूची वन को सूची दो से मिलान करना है दोस्तों, एक तरफ फसल का नाम है दूसरा बीमारी का नाम है। तो धान का खैरा रोग होता है दोस्तों आपको, सॉरी धान का खैरा रोग होता है दोस्तों आप लोग मालूम होगा आपको। तो फिर क्या हो जाएगा, तो बी का थ्री, तो बी का थ्री देखते हैं दोस्तों, तो बी का थ्री किस में है, तो बी का थ्री दो दो में है दोस्तों, या तो बी हो जाएगा या तो डी हो जाएगा। फिर है दोस्तों लेट, लेट बाइट है, गन्ना है सॉरी झुलसा है, रेड रेड राट है, खैरा है, फिर है उकटा यानी विल्ट है। तो देख ही लिया जाए इसका आंसर क्या है। तो फसल का नाम है दोस्तों, तो गन्ना में रेड राट लगता नामक रोग होता है दोस्तों, बीमारी का नाम है। धान का खैरा रोग होता है, अरहर में है दोस्तों विल्ट, और आलू का क्या है दोस्तों, तो लेट ब्लाइट है। तो याद रखना है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो धान का हरित बाल नहीं होता है दोस्तों, धान का क्या होता है तो खैरा रोग होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। बाजरा का होता है अड़गट सही है, मटर का होता है बुकनी यानी पाउडरी मिल्ड्यू, चना का होता है दोस्तों विल्ट। तो हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है, इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती है, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। शेष विकल्प जो है दोस्तों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है दोस्तों चना चुकंदर स्वीट पी, चना अरहर और फरसबीन किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं दोस्तों त्रिपादप कुल के अंतर्गत, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में उपर्युक्त में से भारत किसी का भी अग्रणी उत्पादक नहीं है। इसका गन्ना के उत्पादन में विश्व में दूसरा, प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों, तो ब्राजील है। कहवे के उत्पादन में दो जो है दोस्तों आठवां स्थान पर है, प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों, तो ब्राजील है। द्वितीय स्थान पर वियतनाम है। तंबाकू के उत्पादन में दूसरा स्थान पर है, तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है दोस्तों, तो चीन है। तिलहन उत्पादन में भारत जो है दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन कितना था, तो इसमें भी स्टार लगा हुआ है। तो दोस्तों वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन कितना था, तो 259.3 मिलियन टन के स्तर पर था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 275.1 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना था दोस्तों, याद रखना है इंपॉर्टेंट है, 308.6 मिलियन टन के स्तर पर अनुमानित है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, गलत है दोस्तों। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान पर है, तो यह भी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एफएओ के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। एफएओ के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार फल उत्पादन में मिलान को छोड़कर भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, साथ ही तंबाकू के निर्यात में इसका पांचवां स्थान पर है दोस्तों भारत। नेक्स्ट है दोस्तों जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक जो है दोस्तों बोल रहा है क्या कि जूट एक रबी फसल है, तो गलत है दोस्तों। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है, तो यह बात बिल्कुल सही है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें केवल दो और तीन ही सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो जूट जो है दोस्तों रबी की नहीं बल्कि खरीफ की फसल है, इसे मार्च से मई माह तक की अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा जूट यानी जूट एवं मेस्ता मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों में उपजाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट सिंचित स्थितियों में उपजाया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है, इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः नौ राज्यों, कौन कौन सा नौ राज्य है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। मेस्ता की कृषि 13 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल, राइट आंसर हो जाएगा डी।
तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 9.6 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें 7.61 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। दोस्तों नेक्स्ट, भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है, तो यह केंद्रित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जूट कांप एवं दोमट मिट्टी में पैदा होता है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वप्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। दोस्तों नेक्स्ट है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है, तो वह है दोस्तों धान और जूट। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है, इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो यह क्षेत्रफल है सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के अंतर्गत जूट का क्षेत्रफल इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है दोस्तों 76.67%, बिहार के अंतर्गत है 9.20%, असम के अंतर्गत है दोस्तों 10.22%। दोस्तों भारत में जूट का कुल कृषि क्षेत्र में कितना है दोस्तों, तो याद रखना है 0.68 मिलियन हेक्टेयर है। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है, तो वह दोस्तों कपास, जूट और सनई। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो कपास, जूट, सनई का संबंध रेशे वाली फसलों से है। ज्ञातव्य है कि भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में एवं जूट का उत्पादन जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, तो वह कौन सी है दोस्तों, तो मक्का की जो फसलें होती है दोस्तों उसे वर्ष भर बोया जा सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो दोस्तों याद रखना है कि मक्का विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है। मक्के की खेती की जा सकती है दोस्तों, तो वर्ष भर की जा सकती है मक्के की खेती, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्के का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्के के निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्के के प्रयोग से अल्कोहली पे उत्पन्न किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों को तीनों जो दिए गए हैं स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो मक्के का प्रयोग मंड यानी स्टार्च के रूप में पाउडर और डेक्सट्रिन सायाटेक्स जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के अल्कोहली पेय यथा कॉर्न विस्की, अमेरिकी मदिरा दोस्तों, काउइम यानी ब्राजील की बियर आदि भी तैयार किए जाते हैं। मक्के की फसल पकने की अवधि है दोस्तों, तो याद रखना है 110 दिन। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो विभिन्न मौसमों एवं क्षेत्रों में इस फसल की परिपक्वता अवधि प्रायः 90 दिन से लेकर 150 दिन तक है। शीतकालीन मौसम में उगाई जाने वाली प्रजातियां अधिक समय लेती है, जबकि बसंत एवं ग्रीष्म काल में उगाई जाने वाली प्रजातियां कम समय लेती है। खरीफ की फसल कम समय लेती है, जबकि रबी के दौरान उगाई जाने वाली मक्के की फसल अधिक समय लेती है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फोर पौधा है, तो वह है दोस्तों मक्का। मक्का कैसा पौधा है दोस्तों, तो सी4 का उदाहरण है। तो दिए गए विकल्पों में सी4 पौधा का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो मक्का है। चावल, गेहूं, जौ, राइस, सोयाबीन, कपास, तंबाकू एवं आलू सी3 पौधे के उदाहरण है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बीपीएससी देने जा रहे हो दोस्तों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों बीपीएससी में बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का के उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मक्के के उत्पादन में अग्रणी कौन सा है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद है दोस्तों कर्नाटक, उसके बाद है दोस्तों राजस्थान, और लास्ट में कौन आता है दोस्तों, तो बिहार आता है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, तो डी। तो प्रश्नकाल के दौरान भारत के मक्का उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम इस प्रकार है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार।
आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार मक्का उत्पादक अग्रणी तीन राज्य क्रमशः इस प्रकार है। मक्के के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? कर्नाटक है। ये लेटेस्ट डाटा है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक प्रथम स्थान पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र जो है दोस्तों तीसरे स्थान पर है। शक्तिमान वन और शक्तिमान टू अनुवांशिक परिवर्तित फसल है, तो यह है दोस्तों मक्के की। तो याद रखना है शक्तिमान वन और शक्तिमान टू जो है दोस्तों अनुवांशिक परिवर्तित फसल किसकी है? तो मक्के की है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो वह है दोस्तों केसर का उत्पादन के लिए कौन सा राज्य आता है? हालांकि राज्य है दोस्तों, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोस्तों जम्मू कश्मीर, लेकिन जिस समय 1990 का क्वेश्चन है दोस्तों उस समय यह राज्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, इसे जाफरान भी कहते हैं दोस्तों। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो कश्मीर में दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर घाटी में उत्पन्न की जाती है। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो स्पेन है, ईरान है, ग्रीस है एवं इटली है दोस्तों। नेक्स्ट है सूची वन को सूची दो से मिलान करना है। एक तरफ फसल है दोस्तों, दूसरी तरफ भौगोलिक परिस्थितियां हैं। तो जौ है, चावल है, ज्वार बाजरा आदि है और चाय है। तो कहां पर उगाया जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ए दे रहा है दोस्तों, यानी 2413। तो 2413 यानी ए का हो जाएगा दोस्तों। जौ कहां पर उगाया जाता है? तो ठंडी जलवायु एवं अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में उगाया जाता है जौ। फिर चावल कहां पर उगाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना है तप्त एवं नम जलवायु तथा उत्पादक मृदा में उगाया जाता है। फिर है दोस्तों सी, यानी मिलेट कहां पर उगाया जाता है दोस्तों? यानी ज्वार बाजरा आदि। तो तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा में उगाया जाता है। और चाय कहां पर उगाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत उपजाऊ कम मृदा में उगाया जाता है चाय। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ए होगा। तो जौ हो कहां पर उगाया जाता है, भौगोलिक परिस्थितियां क्या है दोस्तों इसके लिए? तो ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा। चावल के लिए तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा चाहिए। मिलेट के लिए तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। और चाय के लिए नर्म गर्म और नम जलवायु तथा क्या है दोस्तों, उच्च तुंगता। तो याद रखना है काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सूची वन को सूची दो से मिलान करना है। कपास फ्लैक्स है, चुकंदर है और पटसन है दोस्तों। राइट आंसर देख लेते हैं इसका। तो कपास हेतु क्या चाहिए दोस्तों? तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी लगभग 1500 मिलीमीटर तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन तापमान की जरूरत होती है। स्पष्ट है कि निकटतम सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? तो डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो वह है दोस्तों प्याज। तो प्याज की जो खेती होती है दोस्तों पौध के प्रतिरोपण करके की जाती है, ना कि बीज डालकर दोस्तों मिट्टी में। तो प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर पौधे तैयार किए जाते हैं दोस्तों, बाद में इन्हीं पौधे का क्या किया जाता है दोस्तों? तो प्रतिरोपण किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का और गेहूं का जो फसल चक्र है दोस्तों वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दोस्तों विल्सन को। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में अस्थायी रूप से बसने वाले प्रथम गोरे व्यक्ति थे दोस्तों। उन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम भी दिए गए हैं दोस्तों। फिर है सूची वन को सूची दो से मिलान करना। कॉफी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, फिर चाय बोर्ड है, फिर क्या है दोस्तों? तो ये है तंबाकू बोर्ड। तो कॉफी बोर्ड का कहाँ पर है दोस्तों? तो कॉफी बोर्ड का हो जाएगा बंगलुरु, यहाँ पर देख लिया जाए। तो कॉफी बोर्ड का कहाँ पर है दोस्तों? तो बंगलुरु में स्थित है। रबर बोर्ड है दोस्तों कोट्टायम में, चाय बोर्ड है दोस्तों कोलकाता में, तंबाकू बोर्ड है दोस्तों गुंटूर में। याद रखना है कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? बंगलुरु में है दोस्तों, ठीक है। कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? तो कॉफी बोर्ड है दोस्तों बंगलुरु में, याद रखेंगे।
चाय बोर्ड कहाँ पर है दोस्तों? रबर बोर्ड कहाँ पर है? तो कोट्टायम में। चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में। और तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है दोस्तों? तो गुंटूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है, तो सब्जी उत्पादन में जो है दोस्तों भारत का स्थान द्वितीय है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो प्रश्न काल में भारत का सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान था। विश्व सब्जी व मेलन उत्पादन में चीन के बाद भारत का क्या है दोस्तों? तो द्वितीय स्थान है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में विश्व के कुल सब्जी उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है दोस्तों? तो 11.2% था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है चीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आम की बीज रहित प्रजाति है, तो याद रखना है दोस्तों आम की जो बीज रहित प्रजाति है वो कौन सी है दोस्तों? तो सिंधु जो है दोस्तों आम की बीज रहित प्रजाति है। तो दोस्तों आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है, याद रखना है। यह विश्व के एकमात्र बीज रहित प्रजाति है, तो यह भी फैक्ट आपको क्या करना है दोस्तों? ध्यान में रखना है कि यह विश्व का जो है दोस्तों एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, नीम में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो उसका नाम है दोस्तों कौन सा? तो उसका नाम है आम्रपाली। आम्रपाली जो है दोस्तों क्या किया गया है? तो इसे दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो दोस्तों आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है? तो ललित किसकी उन्नत किस्म है दोस्तों? तो अमरूद, याद रखना है। ललित किसका उन्नत किस्म है दोस्तों? तो अमरूद का उन्नत किस्म है ललित। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ललित अमरूद की उन्नत किस्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस लखनऊ ने अमरूद की इस किस्म को विकसित किया है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस किस्म की संस्तुति की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है, आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो वह कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा डी। विकल्प में दी गई आम प्रजातियां दशहरी, वन चौसा एवं लंगड़ा नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। दशहरी 551 नियमित फसल वाली प्रजाति है, जबकि विकल्प में दशहरी 1 दिया गया है। आम की नियमित फसल वाली अन्य प्रजातियां कौन कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है बेंगालोरा जिसे तोतापुरी भी कहा जाता है, नीलम और आम्रपाली। नेक्स्ट है दोस्तों, कंचन एक उन्नत किस्म है, तो दोस्तों याद रखना है कंचन किसका एक उन्नत किस्म है? तो आंवला का एक उन्नत किस्म है दोस्तों कंचन। राइट आंसर हो जाएगा बी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो आंवला जो है दोस्तों जिसे इंडियन गूजबेरी भी कहा जाता है के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। कंचन कृष्णा बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्म है दोस्तों, याद रखना कंचन कृष्णा और बनारसी किसकी उन्नत किस्म है? तो आंवला की। नेक्स्ट है दोस्तों, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है, तो इसमें स्टार लगा हुआ है, तो याद रखना है दोस्तों काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, याद रखना है। काशी मधु खरबूजे की प्रजाति है, जबकि आंवला की प्रजाति बनारसी है। बनारसी नाम की प्रजाति अमरूद की भी होती है दोस्तों, जो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। विकल्पों में दिए गए फसलों में गंगा वाराणसी नाम की किसी प्रजाति का उल्लेख नहीं हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों याद रखना है गेहूं जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, गेहूं शुष्क सम्राट कहा जाता है, यह जो है दोस्तों गलत है। राइट आंसर हो जाएगा बी। जबकि धान की प्रजाति है दोस्तों गोविंद, अरहर की प्रजाति है पारस और मटर की प्रजाति है कौन सी दोस्तों? तो प्रकाश। तो शुष्क सम्राट धान की एक प्रजाति है, याद रखना दोस्तों। इसका प्रयोग मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है। उपर्युक्त दिए गए अन्य जो विकल्प हैं दोस्तों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो याद रखना है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में अधिकतम केले का उत्पादन किया जाता है। अगर अब पूछे दोस्तों कि केले के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो अब है दोस्तों आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे चला गया है तमिलनाडु, पहले स्थान पर कौन आ गया दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों, गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है दोस्तों? तो गुजरात जो है दोस्तों बाजरे के उत्पादन में मुख्य उत्पादक है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो प्रश्न काल में उपर्युक्त फसलों में गुजरात बाजरे के मुख्य तीन अग्रणी उत्पादकों में से एक था। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश बाजरे के क्रमशः
प्रथम तथा द्वितीय अग्रणी उत्पादक राज्य है, याद रखना चेंज हो चुका है। तीसरे तथा चौथे स्थान पर कौन है दोस्तों, हरियाणा एवं गुजरात है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अब नहीं है। फिर सूची वन सूची दो को, सूची वन को सूची दो से मैच कराना है। फसल है एक तरफ दोस्तों और दूसरे तरफ राज्य दिया गया है। तो सोयाबीन की बात करें दोस्तों, तो सोयाबीन के लिए कौन सा हो जाएगा, तो सोयाबीन के लिए हो जाएगा दोस्तों मेरे हिसाब से सी का हो जाएगा, थ्री, सी का थ्री होगा। सोयाबीन के लिए कौन जाना जाता है, मध्य प्रदेश। नारियल के लिए केरल जाना जाएगा दोस्तों। फिर है सरसों और मूंगफली। तो पहले तो सोयाबीन थ्री और फोर देख लिया जाए, थ्री और फोर दो ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन ऑप्शन है। तो सी इसका राइट आंसर दिया गया दोस्तों। तो फसल है दोस्तों और दूसरे तरफ राज्य दिया गया। तो मूंगफली में कौन उत्पादक है दोस्तों, अग्रणी राज्य है, तो आंध्र प्रदेश। 2020-21 का आंकड़ा है दोस्तों। सरसों के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में से एक है। सोयाबीन में है दोस्तों मध्य प्रदेश और नारियल में कौन है दोस्तों, तो केरल है। फिर सूची वन को सूची दो से मिलान करना, जूट है, चाय है, रबड़ है और कौन है दोस्तों, तो गन्ना। तो चाय में हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, चाय के लिए हो जाएगा दोस्तों असम, जूट के लिए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रबड़ के लिए हो जाएगा दोस्तों केरल और गन्ना के लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो ए का तो थ्री हो जाएगा, बी का वन हो जाएगा दोस्तों, सी का हो जाएगा टू और डी का हो जाएगा फोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 1, 2, 4 जो कि ऑप्शन ए में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस से एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वर्ष 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है, तो याद रखना है दोस्तों प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी मानी जाती है, तो कुफरी, चिप्सोना दो है जो है दोस्तों वह सबसे अच्छी किस्म है आलू की, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दिए गए विकल्पों में से प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना दो है। वर्ष 2005 में विकसित कुफरी चिप्सोना थ्री मैदानी क्षेत्रों के लिए एवं कुफरी हिमसोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश की चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन कौन सी है दोस्तों, तो ये फसलें हैं केवल चावल, गेहूं और दलहन, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीनों में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें हैं चावल, गेहूं और दलहन। वर्तमान में बाजरा और चारे वाले फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं, तो वह कौन सा फसल है दोस्तों, तो मोटे अनाज तथा चावल। मोटे अनाज और जो चावल हैं दोस्तों फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है दोस्तों प्रकंद। याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि अदरक जो है दोस्तों तना का है और उस तने में भी होता है दोस्तों सलकंद होता है, धनकंद होता है, प्रकंद होता है, तो उसमें अदरक जो है किस टाइप का है दोस्तों, तो प्रकंद का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अदरक का जो तना है मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है, तो याद रखना है दोस्तों कौन अनाज के दानों का उत्पाद है, तो वह है दोस्तों ओट मिल, राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अनाज के दानों का उत्पाद ओट मिल है, सामान्यतः इसे लोगों के भोजन एवं पशुओं के चारों के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों मंडुआ का जो निर्यात किया जाता है यानी एक्सपोर्ट, वह अधिकतर जो है दोस्तों जापान को किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ जिसे कोदा भी कहा जाता है दोस्तों का निर्यात जापान को किया जा रहा है। मंडुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेश में बड़ी मांग है, इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, पहला है मूंगफली, दूसरा है तिल और तीसरा है दोस्तों बाजरा। उपयुक्त में से कौन प्रमुख वर्षा आधारित फसल है, तो याद रखना है दोस्तों मूंगफली भी वर्षा आधारित फसल है,
तिल भी वर्षा आधारित फसल है और बाजरा भी जो है दोस्तों वर्षा आधारित फसल है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों। तो याद रखना है लोबिया, मूंग, अरहर, इन सभी का जो प्रयोग है दोस्तों हम लोग दलहन के रूप में, चारे के रूप में या हरी खाद के रूप में करते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो लोबिया, मूंग और अरहर, इन तीनों फसलों का उपयोग खाद, चारा एवं दलहन के रूप में होता है। एक हेक्टेयर भूमि में अरहर की हरी खाद का प्रयोग करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंज में इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प ए माना गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्व उपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, भारत का प्रथम राज्य जो जैविक राज्य घोषित किया गया था वह है दोस्तों सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जनवरी 2016 में वर्षों के सतत प्रयास के द्वारा स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया? सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य है? तो सिक्किम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषता है, उसका ऊपरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसल की खेती की जाती है। तो यह बात कही जा रही है दोस्तों किस राज्य के बारे में? तो गुजरात राज्य के बारे में यह कहा जा रहा है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो गुजरात राज्य का उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है तथा उसके मध्य भाग में कपास की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है, यहाँ खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में ग्वार यानी क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? ग्वार के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, तो याद रखना है इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। तो यह जो है दोस्तों स्टेटमेंट, यह बिल्कुल सही है। गवार को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्लस्टर बीन का अधिकतर प्रयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है, साथ ही गवार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में कुल गवार उत्पादन का लगभग 80% भारत और पाकिस्तान में होता है। सेल गैस के निष्कर्षण में गवार जो होता है, गवार गोंद के महत्व के साबित होने के बाद हाल ही में इसकी मांग में जबरदस्त तेजी वृद्धि हुई है। गवार गोंद को गवार के बीजों से निकाला जाता है। हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में गवार गोंद का प्रयोग होता है दोस्तों। इस प्रौद्योगिकी में द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में गवार का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, कथन और कारण। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है, तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? अच्छा, इसका राइट आंसर सी, सॉरी। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह तो बात बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, मैंने उल्टा बोल दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सत्य है परंतु आर गलत है। तो दोस्तों, प्रश्नकाल के दौरान भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। पश्चिम बंगाल में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक था। यहाँ के कुल मछली उत्पादन का 80% हिस्सा जो है दोस्तों अंतर्स्थलीय जलीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना अनतटीय प्रदेशों में हुआ है। तो हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य, इसी को देखकर मैंने बोला था दोस्तों कि आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर है, इसलिए मैंने उसको टिक आउट गलत किया था। जबकि यह प्रश्न कब का है दोस्तों? तो 2007 में है, तो 2007 में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है दोस्तों। अभी कौन है? तो आंध्र प्रदेश है।
दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, और तीसरे स्थान पर है गुजरात। आंध्र प्रदेश में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है। समुद्री मछली के उत्पादन में जो है दोस्तों अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद केरल में और तमिलनाडु में दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। अभी की अगर हम बात करें दोस्तों 19-20 के कुल मत्स्य अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर कौन चला गया दोस्तों? पश्चिम बंगाल। तीसरे स्थान पर है दोस्तों गुजरात, चौथे स्थान पर है उड़ीसा, और पाँचवें नंबर पर है दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, यही सही नहीं है। बोरन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, सही बात है। पूसा बासमती धान के लिए संस्तुत उर्वरक खुराक कौन सा है दोस्तों? तो NPK इस अनुपात में होना चाहिए, यह भी सही है। सेब का खाने वाला योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो मध्य भाग खाया जाता है, तो मीसोकॉर्प कहा जाता है जिसे, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। गलत पूछा जा रहा था, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ए। तो कपास की उत्कृष्टता का आधार इसके रेशों की लंबाई होती है। सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह किस्म संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट तथा वेस्टइंडीज में उगाई जाती है। मध्यम किस्म के कपास के रेशों की लंबाई 3.75 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उत्पादन नील नदी की घाटी, मध्य एशियाई गणराज्यों, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। छोटे रेशे वाले कपास के रेशे की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है तथा इसके मुख्य उत्पादक देश भारत एवं ब्राजील है। सेब के खाने वाले भाग में मीसोकार्प सम्मिलित होता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों डी माना था, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अलसी तिलहन फसल साल भर उगाई जा सकती है, जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है, सही बात है। भारत में पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है, पश्चिम बंगाल, तो यह भी 2013 के अकॉर्डिंग सही है। तृतीय पीढ़ी की पीड़कनाशी को सर्वप्रथम CM विलियम्स ने प्रस्तावित किया था, यह भी सही है। तो गेहूं, जौ, अलसी, रैपसीड, सरसों, चना आदि रबी के मौसम की फसलें हैं। इनकी बुआई अक्टूबर दिसंबर में तथा कटाई अप्रैल मई में होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? बिहार राज्य लाक का भारत में सर्वोच्च उत्पादक है। दूसरा है दोस्तों, योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। कुंचिकल जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादक है दोस्तों, तो ये तो गलत ही लग रहा है, पश्चिम बंगाल होना चाहिए। तो विकल्प ए और डी कथन सही नहीं है, यानी अतः अविशिष्ट विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः प्रश्न का विकल्प ए उस स्थिति में सही है जब झारखंड बिहार का अंग था। वर्ष 2018-19 के आंकड़े के अनुसार लाख उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है दोस्तों? झारखंड है। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल है। इन्हीं चार राज्यों में भारत का 92% लाख उत्पादन होता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादक किसमें होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में होता है। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। UPPCS ने विकल्प डी को सही उत्तर का चयन किया था, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, तो यह बात जो है दोस्तों गलत है। तो दोस्तों अमन धान जो है जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, जबकि चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, और डॉक्टर BP पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे दोस्तों, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि डॉक्टर BP पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम क्या थे दोस्तों? महानिदेशक थे, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं, इसमें भी स्टार लगा हुआ है। तो उपलब्ध परमाणु स्रोत के आधार पर विकल्प ए और डी दोनों को ही सही गलत साबित किया जा सकता है, अतः किसी एक विकल्प का अभीष्ट उत्तर के रूप में चयन नहीं किया जा सकता। सही नहीं वर्ग में दो विकल्प कैसे? विकल्प ए में दिया गया कथन है, दलहनी फसल जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है वह है राजमा। यह कहना गलत हुआ कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती है। अलग अलग शोध रिपोर्टों के अनुसार राजमा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग है,
ये दिया गया रेफरेंस दोस्तों, तो रेफरेंस तो मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। फिर है दोस्तों यूपीएस 120 अरहर की एक प्रजाति है ना कि चने की। भारत के कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर यूपीएस 120 अरहर की शीघ्र बुआई वाली प्रजाति है तथा इस फसल का विवरण इस प्रकार है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया देख लेंगे। समस्या यह है कि प्रश्न में रेड ग्राम को ग्राम यानी नाम दे दिया गया, इसी स्थिति के कारण डी भी सही नहीं है दोस्तों। फिर स्टार लगा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कथन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें भी स्टार लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। कौशल धान की एक प्रजाति है, यहाँ पर भी ए और डी जो है दोस्तों गलत दिया गया। विकल्प ए और डी दोनों ही सही नहीं है, कौशल धान की नहीं बल्कि मूंगफली की प्रजाति है, याद रखना है। दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से होता है, अतः प्रश्न के संदर्भ में दो विकल्प सही हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी को माना था। फिर दोस्तों निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्षेत्र है और इसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, किन्नौर है, मेवात है और कोरोमंडल है दोस्तों, तो याद रखना है इसका राइट आंसर दे रहा है डी, इनमें से कोई नहीं मैचिंग है दोस्तों, कोई सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में सुपारी का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से, कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, अतः स्पष्ट है कि युग्म वन सुमेलित नहीं है। भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, केरल एवं पश्चिम बंगाल है। मेवात जिला जो है दोस्तों हरियाणा में स्थित है, स्पष्ट है कि युग्म दो भी सुमेलित नहीं है। भारत में सोयाबीन का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, कोरोमंडल है। सोयाबीन के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है दोस्तों, याद रखना है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है, तो 15% है दोस्तों विश्व के फल उत्पादन में, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इंडियन हॉर्टिकल्चर डेटाबेस 2014 के अनुसार भारत विश्व फल उत्पादन में 13.6% हिस्सेदारी के साथ द्वितीय स्थान पर है, जबकि 20.9% हिस्सेदारी के साथ चीन प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2014 में विश्व फल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 13.6% थी। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से अभीष्ट विकल्प का चयन करना कठिन है, निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प डी का चयन किया जाना चाहिए। वर्ष 2016-18 के 16 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा फल उत्पादक देश रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न से नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो ज्वार जो है दोस्तों नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, मूंगफली और गन्ना जो है दोस्तों नकदी फसल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों खाद्यान्न फसलें, गैर खाद्यान्न फसलें, तो खाद्यान्न फसलें के अंतर्गत आते हैं चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज। गैर खाद्यान्न फसलें यानी जिसे नकदी फसलें भी कहा जाता है तिलहन, मूंगफली, रैपसीड, सरसों, रेशेदार कपास और कौन सा है दोस्तों, तो जूट और मेस्ता। फिर अब बागानी फसलें चाय, कॉफी, रबर है, अन्न है दोस्तों गन्ना, तंबाकू, ये सब। फिर सूची वन को सूची दो से मिलान करना, सूरजमुखी है, खरबूजा है, कपास है और अलसी है दोस्तों। तो खरबूजा कैसा है दोस्तों, तो यह जायद फसल है, गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। फिर है दोस्तों कपास, तो कपास कब उगाया जाएगा दोस्तों, तो पहले तो बी का देख लिया जाए, बी का दूसरा किस्म है, तो बी का दूसरा एक ही में दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर है दोस्तों सूरजमुखी जो है दोस्तों सभी मौसम में उगाया जाता है, कपास का हो गया जायद फसलें, सॉरी खरबूजा हो गया दोस्तों जायद फसलें हैं। फिर है दोस्तों क्या कहाँ गया, खरबूजा का दो हो गया दोस्तों यानी बी का सेकंड, और सी का क्या हो जाए, कपास जो है दोस्तों खरीफ की फसल है याद रखेंगे, और अलसी जो है दोस्तों रबी की फसल है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है, तो याद रखना है भूमि की कम एवं शून्य जुताई सहायता कर सकती है दोस्तों। खेत में जुताई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग यह भी कर सकता है, और फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना यह भी कर सकता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो शून्य जुताई खेती करने का वह तरीका है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती है, इसके कारण भूमि में नमी बनी रहती है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग एवं फसल अवशेष को खेत में रहने देने
के कारण भी भूमि की नमी में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये तीनों ही पद्धतियां कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है दोस्तों। फिर सूची वन को सूची दो से मिलान करना, जूट है दोस्तों, जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, चाय के उत्पादन में असम है दोस्तों, गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है और रबड़ के उत्पादन में है दोस्तों केरल। तो पहला का हो गया दोस्तों 4-4-3-2-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो फसल है और राज्य मक्के उत्पादन में जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ठीक है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, कपास में महाराष्ट्र, सोयाबीन के उत्पादन में जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कौन सा है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश है, याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी एक किस्म है दोस्तों, तो यह अंगूर की किस्म है दोस्तों, सुल्ताना, गुलाबी, काली और चंपा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों धान में बथुआ खरपतवार होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। गेहूं में होता है दोस्तों फ्लेडिस माइनर, सही है। मटर में होता है प्याजी, बरसी में होता है कासनी, यह भी सही है दोस्तों। धान में कौन सा है दोस्तों, तो बथुआ। तो बथुआ का वास्तविक नाम है दोस्तों चिनोपोडियम एल्बम। यह प्राय गेहूं, मटर, सरसों आदि की फसलों में खरपतवार के रूप में उगता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जियों के रूप में होता है, यह धान की फसल में नहीं उगता। अन्य विकल्प बिल्कुल सही सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है सरसों में की प्रजाति है वरुणा, मटर की प्रजाति है दोस्तों रचना, अलसी प्रजाति है दोस्तों नीलम की, धान की जो किस्म होती है दोस्तों प्रजाति वह राधे नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा डी। राधे किसकी प्रजाति है दोस्तों, तो चना की प्रजाति है। नेक्स्ट है दोस्तों मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है, तो यह है दोस्तों तीन वर्षीय। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग तीन वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों नाभी एमजी है, तो नाभी एमजी क्या है दोस्तों, तो यह गेहूं की एक किस्म है नाभी एमजी। तो दोस्तों नाभी एमजी गेहूं की एक किस्म है, यह रंगीन गेहूं है, नाभी द्वारा विकसित रंगीन गेहूं तीन रंग के काला, नीला तथा बैंगनी में उपलब्ध है, जिसे नाभी एमजी किस्म से के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन जो है दोस्तों 2,4-D था, राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो याद रखना है डाइक्लोरोफेनॉक्सो एसिटिक एसिड, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के डिस्कशन, इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, थैंक यू।